आंगनवाड़ियों के थे और प्रथम वरीयता में हमने न्यूनतम मानदेय का जो बिंदु है वो उनके समक्ष रखा। उसका मांग पत्र हमारी अध्यक्ष जी ने वहाँ पे रखा है कि आंगनवाड़ियों को 600 रुपए रोज का जो मजदूरी के हिसाब से आप मांग रहे हो 18,000 मानदेय का, और राज्य सरकारों के सामने जो हमने बिंदु रख दिया है कि आप 300 रुपए पर डे के हिसाब से हमारी दिहाड़ी कर दीजिए, बाकी लड़ाई केंद्र से हमारी चलती रहेगी। 18 को दो हिस्सों में बहुत अच्छे तरीके से डिवाइडेड किया है। पूरी रणनीति के तहत अध्यक्ष जी ने वो बात वहाँ पे रखी है कि 18,000 को हमने दो हिस्सों में बांटा है कि 9,000 हमें राज्य सरकार दे और 9,000 हमें केंद्र सरकार दे। तो हमने बोला है कि आप मामूली सा जो हमने आपसे मांग की है आप 300 रुपये पर डे की दिहाड़ी हमारी आंगनबाड़ियों को दे दीजिए राज्य सरकार की तरफ से, तो 9,000 पे हम आ जाएंगे। ये पहली एक सूत्री और जो मुख्य मांग है जिसपे दो संगठनों ने हमारे साथ दूसरे संगठनों ने सहमति जताई है। और उसके बाद जो मांग पत्र का वो आपके सामने है कि जो भी आपकी छोटी मोटी समस्याएं थी वो बिंदुवार वहाँ पे रखी गई है। आपने जो छुट्टियों का बोला था जिलाधिकारी महोदय से हम बार बार छुट्टियाँ नहीं लेंगे, तो हमने डाला था क्यों ना विभाग ही उसका शासनादेश जारी कर दे, 15-15 दिन का ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश यहीं से हो जाए, तो वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, उनके विवेकाधीन पे ना रहे। तो वो 15 दिन का हमने डाला था। और हमने यात्रा भत्ता जो हमने तय किया है तो 500 रुपये हमने एक बार परियोजना जाने का 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से हमने वार्षिक 6,000 बोला, घटा के वो कितना लाते हैं, पर रखा कि यात्रा भत्ता मिलना चाहिए बैठक का। और जो भी बिंदु थे आपके 6 बिंदु वहाँ पे रख दिए गए हैं। जो ग्रेजुएटी को लेके आपको है वहाँ पे वो उनका जियो वहाँ पे दे दिया जा चुका है। अदर स्टेट का जो कोर्ट का आया है कि ये प्रावधान है कि यहाँ लागू हो चुका है, वो भी वहाँ सबमिट हो चुका है और विभाग ने भी भारत सरकार से वो मंगा लिया है कि इन राज्यों में अगर ग्रेजुएटी के लिए 5 लाख जो आंगनबाड़ी और सहायिका का है तो वो प्रावधान मांगा है। और सबसे अहम मुद्दा जिस पे बड़ी बारीकी से अध्यक्ष जी ने पूरा गुणा भाग करके रखा है वो है आपका महिला कल्याण कोष, जिसके लिए जिस तरह से हम भी सोए हैं और विभाग भी सोया है। 100 रुपये कट रहा है तो हम ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन ये बातें उनके माध्यम से वहाँ पे रखी गई है कि 34,000 समथिंग जो वर्कर है 100 रुपये के हिसाब से वार्षिक इतने करोड़ की धनराशि सरकार के पास जमा हो रही है और उस पर प्लस वार्षिक का ब्याज लग रहा है, तो जो करोड़ों रुपया हमारा वहाँ पे जमा हो रहा है क्यों ना सेवानिवृत्त होने के बाद आप 10-10 लाख रुपए हमें दीजिए जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो वो विभाग के साथ वो भी रखा गया है। वार्ता मैं बोलूंगी सकारात्मक रही है, लेकिन आज की जो वार्ता थी वो हमारी अध्यक्ष जी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ मानदेय बढ़ोतरी को रखी गई है। मैं अभी दोबारा बोल रही हूँ, जो छोटे मोटे इशू है उसी पे कोई डायरेक्टर ने निदेशालय उन्हें बुलाया है कि जो छोटे इश्यूज पे यहाँ पे बातें हो, क्योंकि उन्होंने यहीं से सॉल्व होना है और मानदेय हमारा सरकार ने बढ़ाना है, तो उसी पे ज्यादा फोकस रहा। आप सभी बहनों का सहयोग यहाँ पे रहा। तमाम 13 जनपदों में जो हमारी आंगनवाड़ियाँ, हमारी साहिबाएं, हमारी मिनी बहने और हमारी जो ब्लॉक अध्यक्ष बहने, हमारे जिला अध्यक्ष बहने, आप सभी का सामूहिक प्रयास है कि हमारी प्रदेश कमेटी यहाँ पे मजबूत है। आपने देखो होगा दो लोग हमारे लिए यहाँ पे बैठे हैं, रेखा ने की तभी मजबूती से काम करेगी जब पीछे से हम उसे मजबूती देंगे। जब जिले और ब्लॉक और मेन, जब तक ब्लॉक जिस दिन एक और मजबूत हो गए उस दिन आपको कोई नहीं हिला पाएगा। शायद इतना ज्यादा संकट भी हमें मांगों को लेकर नहीं करना पड़ेगा। और बड़ी खुशी मुझे इस बार के इस आंदोलन में हुई कि धीरे धीरे देखो सारी बहनों ने हमें सहयोग किया, हम सब मिलके आए। तो मैं आज आपको दिल से और गारंटी के साथ बोलती हूँ कि सरकारों के पास एक बहुत अच्छा मैसेज गया कि हम सब एक हैं। हम आंगनबाड़ी भी बाद में, पहले हम महिलाएं हैं, हम बहने हैं आपस में, हमसे बड़ी दीदियां हैं, उनकी छोटी बहने हैं, कोई छोटी बहन है चाहे वो बहुत अब शिक्षित बहने यहाँ आ चुकी है, तो मैं उनको भी बोलती हूँ कि अनुभव ज्यादा मायने रखता है, शिक्षा से ज्यादा अनुभव मायने रखता है। हमारी माताएं पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन उनके आगे हम शून्य है ना, क्योंकि उन्हें जिंदगी का अनुभव है। तो छोटी बहनों को भी बोलूंगी कि कई बार वो समझते नहीं है, जितनी हमारी सीनियर दीदी है उनका आशीर्वाद देना, उनकी बातों को सुनना है। आपके पास शिक्षा का सर्टिफिकेट जरूर होगा लेकिन तजुर्बा नहीं है, वहाँ आप शून्य हो, हमें सीखना है, तो हमें इन्हीं लोगों से सीखना है, उनके आशीर्वाद से सीखना है। उन्हीं लोगों का संघर्ष है, कई 2-4-5 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगी, तो सब आप ही तो करके जा रही है। ये संघर्ष आने वाली बहनों के लिए हो रहा है,
सब आने वाली बहनों के लिए हो रहा है कि आज आप बहुत पढ़ी लिखी बहनें यहाँ पे आ रही हैं, क्योंकि रोजगार का साधन नहीं है, तो कल बहुत अच्छा ढर्रा आपके लिए बने, पर आपको भी समझना चाहिए हमेशा सीनियर की आप रिस्पेक्ट कीजिए, बड़ी दीदियों का हमने सम्मान करना है, जब हम करेंगे तभी हमें भी मिलेगा, हमसे छोटे करेंगे तब उन्हें भी मिलेगा, तो इन चीजों को फॉलो कीजिए। बाकी परिवार है, मतभेद होते रहते हैं, सब कुछ होना है, आपस में होना है, लड़ाई भी हो रही है, सब